भविष्य जोखिम लेने वालों का है, आराम चाहने वालों का नहीं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। नेता समाधान के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। अनुयायी समस्याओं के बारे में सोचते और बात करते हैं। कुछ नया सीखें, कुछ अलग ट्राई करें। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम भय के विपरीत है। जितना अधिक आप खुद को पसंद करते हैं, उतना ही कम आप किसी चीज से डरते हैं। आपकी क्षमताओं पर एकमात्र वास्तविक सीमा आपकी इच्छाओं का स्तर है। यदि आप इसे बुरी तरह से चाहते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक समय में एक काम करो। दिन की शुरुआत उन चीजों की सूची के साथ करें जिन्हें आपको करना है, और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। नेतृत्व सामान्य लोगों से असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता है। खुशी और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से तब आते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा स्वास्थ्य, खुशी और भलाई की कुंजी है। आप जितने सकारात्मक होंगे, आपका जीवन हर क्षेत्र में उतना ही बेहतर होगा। निरंतर सुधार के दर्शन का अभ्यास करें। हर दिन थोड़ा बेहतर हो जाओ। सफलता की कुंजी आपके लिए जीवन भर उन चीजों को करने की आदत बनाना है जिनसे आप डरते हैं। कोई भी महान उपलब्धि कई कठिनाइयों और कई पाठों से पहले होती है। इनके बिना बड़ी उपलब्धियां संभव नहीं है। सफल होने के लिए आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। पिछले 50 वर्षों में हर अध्ययन कहता है कि सफल लोग कहते हैं कि मैं किसी और से ज़्यादा चालाक नहीं हूँ, मैं बस कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता है। आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका समय है। आज धन का सबसे बड़ा स्रोत आपके कानों के बीच है। सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। असफल लोग हमेशा पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या है। हमेशा अतीत के बजाय भविष्य को चुने। अब हम क्या करें। नकारात्मक लोगों से हर कीमत पर दूर रहें। वे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के सबसे बड़े विध्वंसक हैं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलो। आप तभी विकसित हो सकते हो जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते समय अजीब और असहज महसूस करने को तैयार हो। एकाग्रता का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। जितना अधिक आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही वह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। यदि आपके पास अपने लक्ष्य नहीं है तो आप किसी और के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए हमेशा के लिए अभिशप्त हैं। परिवर्तन का शिकार होने के बजाय परिवर्तन का स्वामी बनने का संकल्प लें। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। हर मिनट की गिनती करें। बिना योजना के कार्य सभी विफलताओं का कारण है। योजना के साथ कार्य करना सभी सफलता का कारण है। समय प्रबंधन वास्तव में व्यक्तिगत प्रबंधन, जीवन प्रबंधन है और खुद का प्रबंधन है। समस्या के बारे में बात करना बंद करो, समाधान के बारे में सोचना शुरू करो। कम से कम 80% करोड़पति स्वनिर्मित हैं, यानी उन्होंने महत्वाकांक्षा और ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं शुरू किया। उसी तरह हम में से अधिकांश लोग शुरू करते हैं। कंफर्ट जोन साहस और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला कदम उठाने की क्रिया ही विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है। आपके जीवन में बड़ी सफलता तब मिलती है जब आप महसूस करते हैं कि आप अपने लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीखने के लिए कुछ भी सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। योजना के बिना लक्ष्य केवल एक सपना है। आप वास्तव में कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि आप इसे बुरी तरह से चाहते हैं, और यदि आप लंबे समय तक और काफी कठिन काम करने को तैयार हैं। बड़े सपने देखो। केवल बड़े सपनों में ही आपके मन और आत्मा को हिलाने की शक्ति होती है।